सीएम, सीएम की पत्नी, प्रेस सलाहकार, विधायक प्रतिनिधि, बंच ऑफ भ्रष्टाचार। कांग्रेस सीधा सवाल इस भ्रष्टाचार के साथ खड़ी है कि अलग है? अगर अलग है तो कैसे, और अगर साथ में है तो क्यों नहीं? हम इसको अभी भ्रष्टाचार कैसे मान लें? अगर किसी ने आरोप लगा दिया और वो आरोपी तो कहा जा सकता है, लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता तब तक वो क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता। एक मुद्दे पर तो सरेंडर करके खुद ही एक्सेप्ट नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं अगर अगर आप कोई अगर आप कोई आप कोई गलती को स्वीकार को आप अपराध मानते हैं, हाईकोर्ट में भी सरकार ने बोला है कि गलती हो गई। हाँ नहीं, हाईकोर्ट में बोला। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम वही तो कह रहे हैं, गलती को अगर स्वीकार करना आप अपराध मानते हैं नहीं, गलती को स्वीकार करना, गलती स्वीकार करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। होने का वो जो दबाव है वो तो दिख रहा है कि अगर मुख्यमंत्री अपने ही विभाग के अंदर अपनी पत्नी को 11 एकड़ जमीन आवंटित करा दे रहे हैं, खुद उनके पास जो विभाग है उसके अंदर अगर लीज पट्टा ले रहे हैं, और आप जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो काफी जो है एक अपना उनका एक रहता है कि नैतिकता तो जरूरी है राजनीति, ऐसे में आप लोग क्या सोच है? नहीं देखिए देखिए, नैतिकता की जहां तक बात है तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी नैतिकता भी जरा देख लीजिए, उस पर भी एक बार थोड़ा गौर करना चाहिए कि उन पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे हैं। अपने बारे में अगर वो 5 लाइन बता देते तो ज्यादा अच्छा होता, दूसरे के बारे में बताना बहुत आसान होता है। और हम ये समझते हैं जहां भी उन्होंने इस बात को कहा है, सिर्फ मीडिया में तो नहीं कहा होगा, कहीं ना कहीं कंप्लेन भी किया है, तो जहां से कंप्लेन किया गया है तो जांच की कार्रवाई होगी ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और नहीं अपने स्तर पर, अपने स्तर पर हम लोग देख रहे हैं, अपने स्तर पर यह देखा हमने कि जैसे ही बात ये सामने आई थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जो उनके नाम से माइंस का लीज हुआ था उसको सरेंडर कर दिया था। जहां तक ये 11 एकड़ जमीन की बात सामने आ रही है उसकी जानकारी अभी स्पष्ट रूप से हमने नहीं ली है, लेकिन मुझे जो जानकारी जो इधर उधर से आ रही है उसमें यह है कि ये मामला ठीक है, उनको आवंटन हुआ होगा, ये भी बहुत पहले ही उन्होंने सरेंडर किया हुआ। बंगला में कहावत है कि इस्तीफा कोई हाथ का मुआ है क्या, कि बच्चा रोने लगे तो हम उसको मुआ पकड़ा दें? मुआ एक मुढ़ी का बना हुआ गुड़ का मिठाई होता है। सरकार चल रही है, सरकार पूरे कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रही है, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्चा लगना शुरू हुआ। पिछले बार सोहराय सोहराय करते हुए वो खुद चुनाव हार गए थे, आप बताइए कि एक ज्ञापन देना माननीय राज्यपाल को, फिर आधारहीन PIL कर देना, मुख्यमंत्री के साथ जो लोग रहते हैं उन पर अनर्गल आरोप लगा देना, तथ्यों की जांच भी नहीं करना, हम लोग सबको मालूम है जब रघुवर जी मुख्यमंत्री थे हम लोग ने इस बात को कभी उठाया नहीं, क्योंकि उनका पुत्र है उनको भी रोजगार की आवश्यकता है, वो कई कंपनियों में डायरेक्टर थे, इतना तक कि टाटा में नौकरी मिला, छत्तीसगढ़ से सैकड़ों लोगों को लाकर झारखंडियों का हक मारकर पूरी सूची है हम लोगों के पास, टाटा ब्लू चिप्स में, टाटा टिमकेन में, टेलको में, टाटा ट्यूब में उन्होंने नौकरी लगवाया,
हम लोगों ने क्या उनके पूरे कार्यकाल में एक बार भी इस बात को कहा कि आप अपने बेटे का नौकरी क्यों लगवा रहे टाटा में? लेकिन इनको मिर्चा लगता है। जो खनन पट्टा की बात करते हैं 2008 का था, 2009 के इलेक्शन एफिडेविट में उस पे उसका डिक्लेरेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 2014 में डिक्लेरेशन है, 2019 में डिक्लेरेशन है। और मैं आपको कहूं कि वो भूखंड का एक भी पत्थर आज तक नहीं निकला, क्योंकि सरकार ने उसकी अनुमति ही प्रदान नहीं की। तो जब वो उत्पादन ही नहीं हुआ, उससे एक रुपया रेवेन्यू नहीं आया, जिसका जिक्र चुनाव आयोग को किया गया, जो वार्षिक रिटर्न है इनकम टैक्स का उसमें किया गया, उसको इन्होंने कहा लाभ का पद। कौन सा पंडित है ये लोग? खान मंत्री रघुवर जी थे, 2016 में क्रेशर का माइनिंग का जो लीज है उनके द्वारा अभिषेक प्रसाद को दिया गया, आज उनको अचानक याद आया तो उस बात का जिक्र करने लगे। उस वक्त वो क्या किसी लाभ के पद पर बैठा हुआ था? वो तो आपके विपक्ष में था, उन्होंने व्यवसाय के लिए सरकार से आवेदन किया, सरकार ने स्वीकार किया। ऐसे बेतुकी बातें केवल और केवल इस राज्य में भ्रम फैलाने के लिए, जो डेवलपमेंट के प्रोसेस है उसको रोक देने के लिए, उसमें हर्डल्स उत्पन्न करने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है। हम लोग अभी देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, बंगाल में क्या चल रहा है, तैयार बैठे हैं सेंट्रल एजेंसी कि कहीं से भी कुछ किसी भी तरह चीजें सामने आए और हम झपट पड़े। सर, बीजेपी लगातार हेमंत पर हमला कर रही है, उनका भ्रष्टाचार का मामला सामने ला रही है, कैसे देखते हैं सर इस मामले को? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता खास करके रघुवर दास जी हों या बाबूलाल मरांडी हों, ये सरकार चलाए हैं, इनको पता है कि सरकार के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आखिर जो भ्रष्टाचार के मामले उठा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है, आज सच्चाई है इसी कारण ये मामले हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि यदि इसमें सच्चाई नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सामने आकर के और बताना चाहिए कि भाई ये जो आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है। लेकिन जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार की कारगुजारियों को जनता के सामने लाना दायित्व तो बनता है और उसी दायित्व का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर रही है। अब इसमें कांग्रेस बोले या जेएमएम बोले कि भाई सरकार को अस्थिर करने के लिए कर रहे हैं, भाई हम क्यों अस्थिर करना चाहेंगे? सरकार में आप हैं, जनता ने जनादेश आपको दिया है, लेकिन आप गलत काम करेंगे तो हम मुखदर्शक बनकर नहीं बैठे रहेंगे। निश्चित रूप से उन मामलों को जनता के समक्ष रखने का काम करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो न्यायालय भी जाएंगे, क्योंकि न्यायालय ही इसका आदेश देगी क्या गलत है और क्या सही है, ये देखना न्यायालय का काम होगा। लेकिन ये आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी अस्थिर करने का काम करती है, यह बेबुनियाद है,
कांग्रेस के चरित्र में यह रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार को अस्थिर करे, लेकिन हम गलत कारगुजारियों को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे।